हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव ज्ञान में। करंट अफेयर्स में हम नवंबर महीने की चौथी वीडियो लेके हाजिर हुए हैं। हम हर महीने में जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस की वीडियो बनाकर डालते हैं, तो ये नवंबर महीने की चौथी वीडियो है। अगर आप में से किसी ने नवंबर महीने की वीडियोस मिस की हैं तो उन बाकी तीन वीडियोस के लिंक जो हैं वो हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो इस वीडियो में हम 25 से ज़्यादा बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, बहुत सेलेक्ट किए हुए क्वेश्चन हैं। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, सो दैट के हम जो वीडियोस डालते हैं, महीने में 5 या 7 वीडियोस डालते हैं जीके से रिलेटेड, या कोई और अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है तो हम उससे रिलेटेड वीडियोज़ भी डालते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट कि आप अगली वीडियोस को मिस ना करें। तो इस वीडियो के एंड में हम एक क्वेश्चन भी आपसे पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आज की वीडियो। हाँ जी फ्रेंड्स, तो पहला क्वेश्चन है कि विच कंट्री इज द फर्स्ट इन साउथ एशिया विच हैज़ क्रिमिनलाइज्ड मैच फिक्सिंग। क्वेश्चन ध्यान से सुन ले, साउथ एशिया की पहली कंट्री बन गई है जिसने मैच फिक्सिंग को क्रिमिनलाइज कर दिया है, यानी कि लॉ के अंडर आएगी मैच फिक्सिंग। मैच फिक्सिंग करने वाला कोई भी पर्सन है तो उसको सज़ा मिल सकती है। ये एक पार्लियामेंट में लॉ पास किया है। तो साउथ एशिया की पहली कंट्री कौन सी बनी है? श्रीलंका। श्रीलंका साउथ एशिया की पहली कंट्री है जिसने मैच फिक्सिंग को क्रिमिनलाइज कर दिया है, पार्लियामेंट में ये लॉ पास किया है, और इसमें 10 साल की सज़ा हो सकती है। 10 साल की सज़ा हो सकती है और फाइन भी हो सकता है, अप टू 10 ईयर्स पनिशमेंट या फाइन किया जा सकता है, डिपेंड करेगा क्वांटम ऑफ जो। ओके, तो श्रीलंका की कैपिटल क्या है? श्रीलंका की कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरा कोटे। श्री जयवर्धनेपुरा कोटे, ये श्रीलंका की कैपिटल है। करेंसी क्या है? रुपी, श्रीलंकन रुपी। पीएम का नाम क्या है? श्रीलंका के पीएम का नाम क्या है? महिदा राजा पाकसा, महिदा राजा पाकसा। और प्रेसिडेंट का नाम क्या है? गोटाबाया राजा पाकसा। तो ये याद रखिए कि पीएम और प्रेसिडेंट दोनों ही राजा पाकसा, उनका सरनेम है महिदा राजा पाकसा। पीएम है श्रीलंका के और गोटाबाया राजा पाकसा जो हैं वो प्रेसिडेंट हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाली यात्रा फेस्टिवल इन द मेमोरी ऑफ रिच मरीन हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटेड एट द बैंक ऑफ विच रिवर। बाली यात्रा का एक फेस्टिवल है, बाली यात्रा नाम का, वो इंडिया की रिच मैरीन हिस्ट्री के लिए जाना जाता है, वो किस नदी के किनारे सेलिब्रेट होता है? मैरीन हिस्ट्री, मैरीन क्या है? नदियों के द्वारा व्यापार होना, आवाजाही होना, इसको मैरीन बोलते हैं। तो किस नदी के किनारे ये बाली यात्रा नाम का फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट होता है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ओडिशा में ये सेलिब्रेट किया जाता है, ओडिशा के कटक शहर में सेलिब्रेट होता है बाली यात्रा नाम का फेस्टिवल महानदी के किनारे। ओडिशा के सीएम का नाम क्या है? सबसे पहले नवीन पटनायक सीएम है, और गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। ये मैंने आपको हमेशा हर वीडियो में कहा है कि जब भी किसी स्टेट के बारे में पढ़ रहे हो तो आपको वहाँ के सीएम और गवर्नर के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, नाम पता होना चाहिए एटलीस्ट। तो नवीन पटनायक सीएम हैं और गवर्नर हैं गणेशी लाल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड ई गन्ना ऐप एंड वेब पोर्टल फॉर शुगर केन ग्रोअर्स।
भारत की ऐसी स्टेट का नाम बताना है जिसने ई गन्ना नाम की एक ऐप लॉन्च की है और एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। किस चीज़ के लिए? जो गन्ना उगाते हैं किसान उनको फैसिलिएट करने के लिए। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है यूपी। उत्तर प्रदेश ने ये जो इनिशिएटिव लिया है ई गन्ना ऐप और पोर्टल वेब पोर्टल लॉन्च किया है। किस चीज़ के लिए? सबसे पहले तो ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में, सो दैट के जो किसान हैं वो ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा मिस यूज़ ना किए जाएं या उनकी उनकी सुनवाई हो सके प्रॉपरली, तो उनको प्रॉपरली स्लिप्स मिल सके, पावर सप्लाई मिल सके शुगर केन्स की जो मिल्स हैं उनके लिए। ये सब सिस्टम मतलब किसानों से लेके मिल्स तक और उनका जो पूरा ट्रांसपेरेंट हो सके, तो इस चीज़ के लिए ये जो कोई भी शुगर केन से जुड़ा हुआ किसान है, जो मिल्स हैं वो अपना जो प्रॉब्लम्स हैं वो इस ऐप के थ्रू वो गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं। तो यूपी के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ सीएम हैं। और गवर्नर कौन है? गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड इंडिया एशियन बिजनेस समिट 2019 टुक प्लेस? इंडिया और एशियन कंट्रीज का जो बिजनेस समिट है 2019 का, वो कहाँ पे हुआ था? तो आंसर है ऑप्शन ए, न्यू दिल्ली में ये बिजनेस समिट हुआ था। किस चीज़ के लिए ये जो समिट है वो होता है? क्योंकि इंडिया बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्री है जो एशियन देशों के साथ बिजनेस करता है, तो उस चीज़ को स्ट्रेंथ करने के लिए, उस चीज़ को मजबूत करने के लिए ये बिजनेस समिट होता है, ताकि इन्वेस्टमेंट जो है वो होती रहे दोनों देशों सारी कंट्रीज के बीच, इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सके और इंडिया उन कंट्रीज में इन्वेस्ट करता रहे। इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसका थीम क्या था? ये जो 2019 का समिट था, इसका समिट क्या था? ट्रिपल टी। ट्रिपल टी मतलब टुडे, टुमारो और टुगेदर। टुडे, टुमारो, टुगेदर। टुगेदर इसका थीम था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड डायबिटीज डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड डायबिटीज डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 14 नवंबर। 14 नवंबर को एक और दिन भी आता है, चिल्ड्रंस डे, जो इंडिया में मनाया जाता है, तो उसी दिन वर्ल्ड डायबिटीज डे भी होता है। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे जो है वो 1991 से सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन जो है उन्होंने शुरू किया था, इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन, और 2006 में ये अप्रूव कर दिया गया था यूएन के द्वारा। यूएन ने 2006 में अप्रूव किया था, इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन ने 1991 में। तो इसका 2019 का थीम क्या है? 2019 का थीम क्या है? ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। फैमिली एंड डायबिटीज़, फैमिली एंड डायबिटीज़ इसका जो है थीम था 2019 का। तो ये 14 नवंबर को ही क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टैटिक क्वेश्चन हो सकता है, 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये जन्मदिन होता है सर फ्रेडरिक बेंटिंग का। फ्रेडरिक बेंटिंग जो है उनका जन्मदिन होता है, फ्रेडरिक बेंटिंग उनका जन्मदिन होता है। कौन थे ये? इन्होंने इंसुलिन की खोज की थी 1922 में। 1922 में, ये याद रखना है, 1922 में इंसुलिन की खोज हुई थी, वो सर फ्रेडरिक बेंटिंग ने की थी, और इनके साथ असिस्टेंस जो दिया था वो चार्ल्स बेस्ट ने। चार्ल्स बेस्ट और सर फ्रेडरिक बेंटिंग ने मिलकर इंसुलिन की खोज की थी, जो एक दवा है शुगर के मरीजों के लिए, तो ये दोनों ने डिस्कवर की थी। तो सर फ्रेडरिक बेंटिंग का जन्मदिन होता है 14 नवंबर को, तो इस दिन वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड नाडू नाडू ऐप यस स्कीम फॉर इंट्रोड्यूसिंग इंग्लिश सब्जेक्ट एट एलिमेंट्री लेवल। इंग्लिश को एलिमेंट्री लेवल पे इंट्रोड्यूस करने के लिए एक नई स्कीम लॉन्च की है, वो किस स्टेट गवर्नमेंट ने की है? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने ये जो स्कीम है लॉन्च की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने ये स्कीम लॉन्च की है। जनरली हमें पता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में ऐसा होता है, कई गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा होता है या स्टेट में ऐसा होता है कि इंग्लिश को जो है वो 6th या 7th क्लास में इंट्रोड्यूस किया जाता है एज ए सब्जेक्ट। तो उस टाइम पे इंग्लिश सीखना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने नाडू नेडू स्कीम लॉन्च की है, जिसके द्वारा पहली क्लास से लेके 6th क्लास तक भी इंग्लिश जो है वो ज़रूरी कर दी जाएगी। तो इस चीज़ का जो है वो बजट भी है, 12,000 करोड़ रुपए बजट रखा है। तो सीएम कौन है आंध्र प्रदेश के? YS जगमोहन रेड्डी। YS जगमोहन रेड्डी जो है वो सीएम है। और गवर्नर कौन है? गवर्नर कौन है? बिश्वभूषण हरिचंदन। बिश्वभूषण हरिचंदन। YS जगमोहन रेड्डी सीएम है और गवर्नर है बिश्वभूषण हरिचंदन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन स्कॉलर हु हैज वॉन द ब्रिक्स यंग इनोवेटर प्राइज? इंडियन स्कॉलर है जिसने यंग इनोवेटर प्राइज जीता है ब्रिक्स का, उनका नाम क्या है? उनका नाम है ऑप्शन सी, रविशंकर। रविशंकर जी ने एक अफोर्डेबल मिल्क चिलिंग जो यूनिट बनाया था, मिल्क चिलिंग, यू नो के जो छोटे किसान हैं जो दूध बेचते हैं, तो उनके लिए दूध को मेंटेन करना या दूध को बचाए रखना खराब होने से, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो रविशंकर जी ने एक बहुत ही चीप मिल्क चिलिंग यूनिट जो है वो छोटे फार्मर्स के लिए बनाया, तो उनके लिए उनको ब्रिक्स यंग इनोवेटर प्राइज से नवाजा गया। तो इन जो इस प्राइज का थीम था वो था साइबर सिक्योरिटी एंड बायो इकोनॉमी। साइबर सिक्योरिटी एंड बायो इकोनॉमी जो वो था थीम था इस ब्रिक्स यंग इनोवेटर प्राइज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया स्टार्टेड ट्राई सर्विस एम्फीबियस एक्सरसाइज नेम्ड टाइगर ट्रियम्फ विद विच कंट्री? टाइगर ट्रियम्फ नाम की एक्सरसाइज जिसमें तीनों सेनाएं शामिल थी, और ये जो एक्सरसाइज है ये पानी और धरती दोनों पे ये परफॉर्म की गई, तो ये किस कंट्री के साथ ये इंडिया ने परफॉर्म की है? ट्राई सर्विसेज जिसमें इन्वॉल्व थी टाइगर ट्रियम्फ नाम की। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट के साथ भारत ने पार्टिसिपेट किया, तो ये जो हमारी ट्राई सर्विसेज इन्वॉल्व थी जिसमें टाइगर ट्रियम्फ नाम की एक्सरसाइज, ये कहाँ पे हुई? विशाखापट्टनम, जो एक पोर्ट है यहाँ पे, तो वहाँ पे जल में जो एक्सरसाइजेस थी वो भी करना पॉसिबल था, और जो धरती पे होने वाली एक्सरसाइजेस थी वो भी पॉसिबल थी। आंध्र प्रदेश में है विशाखापट्टनम, वहाँ पे ये एक्सरसाइज परफॉर्म हुई। विच कंट्री इज होस्टिंग वर्ल्ड कबड्डी कप 2019? वर्ल्ड कबड्डी कप 2019 कौन होस्ट कर रहा है, कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, इंडिया। इंडिया होस्ट करने जा रहा है वर्ल्ड कप कबड्डी कप 2019, और ये जो वर्ल्ड कप है ये पंजाब में होगा। ये वर्ल्ड कप 1 से 9 दिसंबर के बीच 9 टीमों के बीच खेला जाएगा। यहाँ पे 9 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी इस वर्ल्ड कप में।
अगला क्वेश्चन है, विच फिल्म हैज रिसेंटली बैग्ड अवार्ड एट एशियन फिल्म फेस्टिवल बार्सिलोना? फिल्म फेस्टिवल बार्सिलोना किस फिल्म को प्राइज मिला है, किस इंडियन फिल्म को प्राइज मिला है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, भोंसले। भोंसले नाम की फिल्म को दो अवार्ड्स मिले हैं, यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, दो अवार्ड मिले हैं। वो अवार्ड्स कौन कौन से हैं? पहला अवार्ड मिला है बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए और दूसरा है बेस्ट डायरेक्टर के लिए। दो अवार्ड मिले हैं, बेस्ट स्क्रीन प्ले और बेस्ट डायरेक्टर। तो फिल्म के डायरेक्टर कौन है, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, किस डायरेक्टर को प्राइज मिला है? यहाँ पे देव आशीष मखीजा, देव आशीष मखीजा, इनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। ये जो स्टोरी है भोंसले, एक पुलिस कांस्टेबल की स्टोरी है जो माइग्रेंट्स को बचाता है और लड़ाई लड़ता है लोकल पॉलिटिशियन से उनको बचाने के लिए। तो इसको एशियन फिल्म फेस्टिवल बार्सिलोना में इस फिल्म को अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निष्ठा अ न्यू मिशन लॉन्च्ड फ्रॉम JNK इज एसोसिएटेड विद विच डिपार्टमेंट? यूनियन गवर्नमेंट ने एक नया मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है निष्ठा, तो ये किस डिपार्टमेंट के साथ रिलेटेड है? तो पहले तो इसका आंसर देखते हैं, आंसर है ऑप्शन डी, एजुकेशन के साथ रिलेटेड है। तो निष्ठा की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट हो सकती है, निष्ठा की फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर हॉलिस्टिक एडवांसमेंट। नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल्स हेड्स एंड टीचर्स हॉलिस्टिक एडवांसमेंट, ये इस निष्ठा की फुल फॉर्म है। इसका मेन पर्पस क्या है, इसकी शुरुआत JNK से की गई है सेंट्र हमारी यूनियन गवर्नमेंट द्वारा। 86,000 टीचर्स जो हैं उनको ट्रेन किया जाएगा बेटर से बेटर पढ़ाने के लिए, उनकी हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि अगर टीचर्स फुली ट्रेन्ड होंगे तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बेटर होगा। तो स्टार्ट JNK से हुआ है और ये पूरे देश में ये जो मिशन है वो लॉन्च किया जाएगा। नेशनल प्रेस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, व्हेन इज नेशनल प्रेस डे सेलिब्रेटेड? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम्स में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। आंसर है ऑप्शन सी, 16 नवंबर को नेशनल प्रेस डे सेलिब्रेट किया जाता है, सिंबल ऑफ फ्री एंड रिस्पॉन्सिबल प्रेस इसका थीम है, सिंबल ऑफ फ्री एंड रिस्पॉन्सिबल प्रेस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका? श्रीलंका के नए प्रेसिडेंट का नाम क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, गोटाबाया राजापक्सा। गोटाबाया राजापक्सा जो पहले डिफेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं श्रीलंका के, वो अब प्रेसिडेंट बन के हैं। तो पीएम कौन है श्रीलंका के? महिंदा राजापक्सा। तो महिंदा राजापक्सा के ये ब्रदर हैं, महिंदा राजापक्सा के ब्रदर हैं गोटाबाया राजापक्सा, जो अब प्रेसिडेंट बन गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं, वेयर इज नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट शुगर मिल विच विल प्रोड्यूस इथेनॉल इज ऑन इनॉग्रेटेड? नॉर्थ इंडिया की पहली शुगर मिल जो इथेनॉल प्रोड्यूस करेगी वो कहाँ इनॉग्रेट की गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, गोरखपुर। गोरखपुर में ये नई शुगर मिल बनी है जो इथेनॉल प्रोड्यूस करेगी, तो ये गोरखपुर में इनॉग्रेट की गई है। तो ये किसके द्वारा बनाई गई है? शुगर केन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यूपी के द्वारा ये बनाई गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि विच कंट्री इज होस्टिंग द 8th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स? कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है 8th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, इंडिया। तो इंडिया में न्यू दिल्ली में
ये कॉन्फ्रेंस होस्ट की गई थी। तो इसको इनॉग्रेट किसने किया? नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर ने इसको इनॉग्रेट किया। हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं जो, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर, उन्होंने इनॉग्रेट किया। मेन इसमें ये चीज़ थी कि यहाँ पे बिल गेट्स जो हैं वो हमारे चीफ गेस्ट थे इस प्रोग्राम में। बिल गेट्स एज अ चीफ गेस्ट उन्होंने इंडिया में आए थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड सांस कंपेन? किस गवर्नमेंट ने सांस कंपेन लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है गुजरात गवर्नमेंट। गुजरात गवर्नमेंट ने सांस कंपेन लॉन्च किया है। सांस कंपेन है क्या? ये पिनोमोनिया के बारे में है, जिसको हम इंग्लिश में निमोनिया कहते हैं, या इंग्लिश में इसको भी निमोनिया कह सकते हैं अगर पी साइलेंट है तो। ये जो रोग है, 5 साल से कम बच्चों में जो मॉर्टिलिटी रेट है वो 15% है पूरे इंडिया में, तो उसको रोकने के लिए ये कंपेन चलाया गया है। तो इसका सांस की फुल फॉर्म क्या है? सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया। सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया एवरी ईयर? चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल जो है वो इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है कहाँ पे? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, मेघालय। मेघालय के शिलोंग में हर साल ये जो फेस्टिवल है सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस बार ये फोर्थ सेलिब्रेशन थी, 2019 में ये फोर्थ सेलिब्रेशन थी। तो इस बार इंडिया को साउथ कोरिया ने भी ज्वाइन किया इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए। साउथ कोरिया के अम्बेसडर शिन बोंग किल जो हैं, साउथ कोरियन अम्बेसडर हैं इंडिया के, वो इस फेस्टिवल में उन्होंने शिरकत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? 47th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, S.A. बोर्डबे, शरद अरविंद बोर्डबे जो हैं वो 47th चीफ बने हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। 17 नवंबर को हमारे रंजन गैगोई जी जो रिटायर हुए थे, तो 18 नवंबर को उन्होंने S.A. बोर्डबे को नया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए हैं। तो ये 23 अप्रैल 2021 तक भारत के चीफ जस्टिस रहेंगे। तो एक क्वेश्चन जो हम जनरली दिमाग में नहीं रखते, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है किसी भी स्टैटिक एग्ज़ाम के लिए, वो ये है कि फर्स्ट चीफ जस्टिस इंडिया के कौन थे? फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे? एच जे कानिया जो हो वो पहले चीफ जस्टिस बने थे। तो चीफ जस्टिस को अपॉइंट कौन करता है? इम्पॉर्टेंट है, चीफ जस्टिस को अपॉइंट कौन करता है, उन्हें शपथ कौन दिलाता है? तो इसका आंसर है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो शपथ दिलाते हैं। तो रामनाथ कोविंद ने S.A. बोर्डबे जी को शपथ दिलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर वॉज सिंधु सुदर्शन एक्सरसाइज ऑफ इंडियन आर्मी वॉज कंडक्टेड? इंडियन आर्मी की सिंधु सुदर्शन नाम की एक्सरसाइज कहाँ कंडक्ट की गई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, बारमेर। बारमेर राजस्थान में ये जो एक्सरसाइज है वहाँ पे कंडक्ट की गई थी। तो वहाँ पे 40,000 से ज़्यादा आर्मी मैन ने पार्टिसिपेट किया था, 40,000 से ज़्यादा। तो ये जो एक्सरसाइज है वो 21 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक चली, 5 दिसंबर तक ये। और इसमें इस
एक्सरसाइज की खास बात क्या थी कि रुद्रा नाम का हेलीकॉप्टर जो किसने बनाया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने मैन्युफैक्चर किया है, वो इस एक्सरसाइज का हिस्सा था। बहुत ही आधुनिक ये हेलीकॉप्टर है जो इंडियन आर्मी में कंडक्ट किया गया है, तो इस एक्सरसाइज का हिस्सा था। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड टॉयलेट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड टॉयलेट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसका मेन मकसद क्या है? ऑल ओवर द वर्ल्ड या ग्लोबल सैनिटेशन क्राइसिस को हैंडल करना, उसको दूर करना। एम क्या है? एम 2030 तक सैनिटेशन क्राइसिस को खत्म करना पूरे वर्ल्ड में, ये इसका एम है। 2013 में वर्ल्ड टॉयलेट डे यूएन ने डेजिग्नेट किया था कि यूएन के वर्ल्ड टॉयलेट डे जो है वो 19 नवंबर से मनाया जाएगा, तो 2013 में ये फैसला किया था। एक एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इस क्वेश्चन से रिलेटेड वो ये है कि 2019 का थीम क्या है, वर्ल्ड टॉयलेट डे का 2019 का थीम क्या है? लीविंग नो वन बिहाइंड, लीविंग नो वन बिहाइंड, इसका इस 2019 के वर्ल्ड टॉयलेट डे का थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री इज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस अ न्यू टाइफॉइड कंजुगेट वैक्सीन? टाइफाइड को रोकने के लिए एक नया वैक्सीन लॉन्च करने वाली पहली कंट्री कौन सी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, पाकिस्तान। पाकिस्तान ने टाइफाइड के लिए नया वैक्सीन बनाया है जो फर्स्ट टाइम पहली बार पाकिस्तान में ही बना है। तो पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद, पीएम इमरान खान और प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ अलवी। आरिफ अलवी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैनी ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल, हैनी ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल विच इज बैंड बाय द यूनियन गवर्नमेंट इज बेस्ड इन विच स्टेट? एच एन सी एल एक ग्रुप है जिसको बैन कर दिया है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, वो किस स्टेट में बेस्ड है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, मेघालय। मेघालय में बेस्ड है ये ग्रुप, और इस ग्रुप को बैन करने का जो रीज़न है वो है इलीगल एक्टिविटीज़ या अशांति फैलाने के लिए इनको बैन कर दिया गया है यूनियन गवर्नमेंट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया? नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, सुधीर मित्तल जो हैं वो नए प्रेसिडेंट बन गए हैं। इससे पहले वो चेयरमैन थे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, सीसीआई के प्रेसिडेंट थे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के। ही इज ए रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर ऑफ पंजाब कैडर, आईएएस हैं पंजाब के फॉर्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट हैज अप्रूव द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सोवा रिगपा इन विच एरिया? एक नई इंस्टीट्यूट बनाने का प्रस्ताव पास किया है कैबिनेट ने सोवा रिगपा के लिए, किस एरिया में? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, लेह लद्दाख। लेह लद्दाख में ये जो इंस्टीट्यूट है ये अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष आएगा, आयुष मिनिस्ट्री के अंडर ये आएगा। तो सोवा रिगपा है क्या? सबसे पहले हम इसको जानते हैं कि सोवा रिगपा क्या है। ये एक ट्रेडिशनल तिब्बतियन मेडिसिन और डायग्नोस का एक तरीका है, तिब्बत से रिलेटेड है। सबसे पहले तो ये तिब्बत का एक मेडिसिन और डायग्नोस का एक तरीका है, पल्स के द्वारा, बाथरूम के द्वारा या खाने पीने की मॉडिफिकेशन के द्वारा रोग को ठीक करना। ये सब चीज़ों को, मतलब ट्रेडिशनल
कोई भी हम कह सकते हैं ड्रग्स का यूज़ नहीं करना, ये एक सोवा रिगपा की पहल है। तो इससे रिलेटेड जो इंस्टीट्यूट है वो बनाई जा रही है लेह लद्दाख के एरिया में। तो ये जो सोवा रिगपा है ये बुद्धिस्ट लिटरेचर के साथ संबंधित है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है वो सब्जेक्ट है सोवा रिगपा के बारे में, बुद्धिस्ट लिटरेचर और आयुर्वेद के साथ ये रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है कि विच इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन हैज़ बीन चूजन एज पीटाज इंडियाज पर्सन ऑफ द ईयर। किस स्पोर्ट्समैन को पीटा ने इंडियन पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, विराट कोहली। पीटा क्या है? सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, पीटा पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, ये एक संस्था है वर्ल्ड लेवल की। तो ये एनिमल्स को बचाने के लिए वर्क करती है, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स ऑफ एनिमल्स। तो इन्होंने विराट कोहली को इंडियन पर्सन ऑफ द ईयर चुना है क्योंकि उन्होंने एक हाथी की जिंदगी बचाने के लिए एनिमल संस्था को एक लेटर लिखी थी। एनिमल उस हाथी का नाम था मालती। तो जो अमेर फोर्ट है राजस्थान में, वहाँ पे उसको लोगों को कैरी करने के लिए यूज़ करते थे उस हाथी को, तो उसके लिए विराट कोहली ने एक लेटर लिखी थी। तो उस वजह से पीटा ने उनको इंडियन पर्सन ऑफ द ईयर चुना है, क्योंकि उन्होंने एनिमल्स को बचाने के लिए एफर्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ गोइंग टू रिसीव इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस 2019। इंदिरा गांधी प्राइज जो है 2019 का, वो किसको मिलने जा रहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, डेविड एटनब्रॉफ। डेविड एटनब्रॉफ जो एक नेचुरलिस्ट हैं और ब्रॉडकास्टर हैं, जो बायोडावर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए एफर्ट्स करते हैं, तो उनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। तो इसके बाद इसकी ज्यूरी में कौन शामिल था? जो इंदिरा गांधी एक मेमोरियल ट्रस्ट है, यो जे पीस प्राइज देती है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, उसके जो ज्यूरी में प्रेसिडेंट कौन थे? प्रणब मुखर्जी। तो 1986 में ये संस्था जो है वो बनाई गई थी, तो तब से ये अवार्ड दे रही है। तो इसमें 25 लाख तक का जो कैश प्राइज होता है, प्लस जो सिटुएशन, जो प्राइज, जो मेडल्स कह सकते हैं हम। 2017 में ये प्राइज मनमोहन सिंह को भी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेंसिस ऑफ इंडिया 2021 इज गोइंग टू बी कंडक्टेड इन हाउ मैनी लैंग्वेजेस। 2021 की जो जनगणना होने जा रही है वो कितनी भाषाओं में कंडक्ट की जाएगी? तो ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसके लिए थोड़ी सी मशक्कत आपको करनी पड़ेगी, लेकिन आप जितना किसी पर्टिकुलर टॉपिक को सर्च करेंगे या खुद पढ़ोगे तो उस चीज़ के बारे में आपको उतनी ही ज़्यादा जानकारी आपको मिलेगी। तो हमें उम्मीद है कि आप कमेंट में आप इसका आंसर दे पाओगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इस वीडियो के बारे में आपके कमेंट ज़रूर कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। अगर कोई चेंजेस या कोई चीज़ आपको नहीं पता लग रही है तो आप कमेंट में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो अगली वीडियो लेके जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए थैंक यू।